प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, लेकिन चंद्रदेव अपना अधिकतर समय दक्ष की बड़ी बेटी रोहिणी के साथ बिताया करते थे, जिसको लेकर बाकी सभी बहनें परेशान रहने लगीं। इसके बारे में जब दक्ष को पता चला तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि वो अपनी सभी बीवियों को बराबर समय दें और उनका ख्याल रखें, लेकिन चंद्रदेव ने दक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। चंद्रदेव की इस हालत से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी से इसका हल पूछते हैं। ब्रह्मा जी चंद्रदेव से कहते हैं कि आप प्रभास नाम की जगह पर जाकर शिव जी की पूजा कीजिए। चंद्रदेव ठीक ऐसा ही करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव चंद्रमा को शुक्ल पक्ष में चमकदार रहने का वरदान देते हैं और शिवलिंग रूप में वहां अपना अंश छोड़ देते हैं, जिसके बाद से आज तक शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पर अंधकार रहता है और कृष्ण पक्ष में उजाला। उसी शिवलिंग के लिए चंद्रदेव ने पृथ्वी पर मंदिर बनाया, जिसको आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं।